जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको Google Pixel 5a 5G के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस स्मार्टफोन के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का प्राइस क्या होगा, ये कैसा दिखता है, ये दोस्तों कब लॉन्च होगा, ये दोस्तों इंडिया में कब लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस स्मार्टफोन के लिए, इंडिया में कौन कौन से अच्छे ऑल्टरनेटिव देखने को मिल जाते हैं, ये भी बताऊंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों OnePlus Nord 2 के बारे में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाया था, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, स्पेसिफिकेशंस, प्राइस, अवेलेबिलिटी, इंडिया में कब लॉन्च होगा, सब कुछ बताया हूँ मैं। आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लीजिए, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारी वीडियोज को चेकआउट करिए, बहुत अच्छी वीडियोज बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में। तो नो डाउट ये स्मार्टफोन बहुत ही स्पेक्टेकुलर स्पेसिफिकेशंस हम लोगों को प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर आपको 6.2 इंच का फुल एचडी प्लस ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो सैमसंग ओलेड पैनल है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, एचडीआर 10 प्लस को सपोर्ट करेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अमेजिंग बात है। पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा एंड चिन आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, फ्लैट डिस्प्ले होगा, बेजल लेस डिस्प्ले होगा। तो यार ओलेड पैनल है, ऊपर से 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा है। जब भी गेमिंग करोगे, वीडियो स्क्रॉल कर रहे होगे या फिर दोस्तों आप कोई भी काम कर रहे होगे, आपका एक्सपीरियंस काफी स्मूथ होगा। जो टच करने का रिस्पांस होगा ना, वो दोस्तों काफी मक्खन की तरह स्मूथ रहेगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। एंड ओलेड पैनल है, एचडीआर 10 प्लस है, तो दोस्तों आप जब भी गेमिंग करोगे, मूवीज देखोगे, कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे, जो दोस्तों ग्राफिक्स है, जो कंटेंट है, काफी क्लियर दिखाई देंगे, कलर्स काफी पंची होंगे एंड आपका एक्सपीरियंस काफी इन्हांस हो जाएगा। तो डिस्प्ले वाइज बहुत अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, अभी डिस्प्ले को लेकर इतने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो Google Pixel डिवाइसेस का यही खासियत होता है, चाहे सिंगल कैमरा हो, चाहे डुअल कैमरा सेटअप हो, चाहे ट्रिपल कैमरा सेटअप हो, कैमरास बहुत ही स्पेक्टेकुलर होते हैं, आपको फिनॉमिनल फोटोज क्लिक करके दे देते हैं। Google सबका मुंह बंद कर देता है अपने कैमरास के थ्रू, कैमरास बहुत ही लाजवाब मिलेंगे, मेरे पास शब्द नहीं है, इतने अच्छे कैमरास मिल जाएंगे। डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 12.2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलेगा और 16 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल जाएगा। जो मेन लेंस है उन्हीं पे फोकस करता है गूगल एंड बाकी सब लेंस वो सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज कर लेता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर के थ्रू बाकी सब लेंस का इस्तेमाल निकाल लेता है। तो कैमरास बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा, छोटे से पंच होल के साथ आएगा, जो वाइड एंगल लेंस होगा, कैमरास बहुत ही स्पेक्टेकुलर होंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो बहुत ही गलत बात है, गूगल को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देना चाहिए। ओलेड पैनल यूज कर रहे हो यार, तो उसका इस्तेमाल करो ना, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मत दिया करो, कम से कम साइड माउंटेड दे दो, स्मार्टफोन का लुक्स और भी इनहेंस हो जाएगा। रियर माउंटेड से स्मार्टफोन काफी चीप दिखता है, सही बता रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। UFS 2.1 के शोए सपोर्ट के साथ आएगा, LPDDR4X RAM टाइप देखने को मिल जाएगा। बैटरी सेक्शन की बात कर ले तो 3840 mAh का बैटरी मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं रूमर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि 4080 mAh का बैटरी मिल सकता है। 18 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आएगा, एंड्रॉइड 11 देखने को मिलेगा, जो एंड्रॉइड 12 में आपको अपग्रेडमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। यार बहुत सारे एंड्रॉइड अपडेट्स आएंगे, टेंशन मतलब पिक्सल डिवाइस है, ठीक है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 765G मिल जाएगा, जो 7 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, Adreno 620 का GPU मिल जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन हवा से बातें करेगा, परफॉर्मेंस वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन आपको एकदम क्लासिक लुक्स प्रोवाइड करेगा एंड सिंपल कलर्स के साथ आएगा, जैसे कि जस्ट ब्लैक, जस्ट व्हाइट, पिक्सल डिवाइसेस ऐसे ही होते हैं, क्लासिक लुक्स ही प्रोवाइड करते हैं, अतरंगी स्टाइल में नहीं आते हैं। स्क्वायर कैमरा हाउसिंग देखने को मिल जाएगा एंड अंदर ही आपको फ्लैश लाइट देखने को मिलेगा, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है एंड बस दोस्तों। आगे से देखोगे तो एक पंच होल देखने को मिल जाएगा, चिन भी बहुत कम रहेगा, आगे से देखने में अच्छा लगेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आएगा, एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाएगा, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो बिल्ड वाइज बहुत ही शानदार रहेगा एंड डिजाइन वाइज भी बहुत अच्छा है, जिसको क्लासिक लुक्स अच्छे लगते हैं उसको स्मार्टफोन अच्छा लगेगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन दोस्तों अगस्त के मंथ में US और जापान मार्केट्स में लॉन्च हो जाएगा, इंडिया में दोस्तों लॉन्च अभी नहीं होगा, पहले दोस्तों ये US जाएगा, जापान जाएगा, उसके बाद ही शायद दोस्तों इंडियन मार्केट्स में आएगा। एंड अगस्त का मंथ कंफर्म हुआ है, अभी डेट मालूम नहीं चला है, वीक मालूम नहीं चला है, ठीक है। प्राइसिंग की बात कर ले तो 40,000 रुपये के आसपास लॉन्च होगा, मतलब कि 40,000 रुपये के अंदर में रहेगा, उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। प्राइस को भी लेकर अभी रूमर्स ही घूम रहे हैं, कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, मतलब कि कोई एक प्राइस सामने नहीं आया है, लेकिन सब लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 40,000 रुपये के आसपास ही लॉन्च होगा। तो बस यही है कहानी।
अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखो यार, एक बात तो क्लियर है, 100% क्लियर है, ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा। अब कब लॉन्च होगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सभी लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं। पहले ये दोस्तों अगस्त के मंथ में ग्लोबली लॉन्च हो जाए, उसके बाद ही हम लोग अंदाजा लगा सकेंगे कि ये इंडिया में कब लॉन्च होगा। क्योंकि पिक्सल डिवाइसेस का दोस्तों जो रिकॉर्ड है ना, वो थोड़ा सा दोस्तों ऐसे ही है। जब पिक्सल 4a इंडिया में लॉन्च हुआ था तो उसको 5-6 महीने लग गए थे लॉन्च होने में। तो मेरे को भी जहां तक लगता है, ऐसा मेरे को लगता है कि 3 महीने तो लग ही जाएंगे। देखो अंदाजा लगा रहा हूं, हो सकता है सितंबर के मंथ में लॉन्च हो जाए, कुछ भी पॉसिबल है, सब अंदाजा ही लगा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि इंडिया में कब लॉन्च होगा, लेकिन लॉन्च जरूर होगा। अब रहा सवाल दोस्तों वेट करें कि नहीं करें, तो दोस्तों ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप दोस्तों गूगल के स्मार्टफोन को परचेस करने का सोच रहे हो तो इंडिया में पिक्सल 4a है, पिक्सल 5 है, ताकि उनको परचेस कर लो अगर आपको गूगल का स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है। अदरवाइज दोस्तों अगर आपका बजट 40-50 हज़ार रुपए है तो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स बता देता हूं। आप दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज की तरफ जा सकते हो, जो आपको बहुत अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर देंगे, फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं। वीवो X60 सीरीज की तरफ भी जा सकते हो, ASUS ROG Phone 5 सीरीज की तरफ भी जा सकते हो, Mi 11X Pro भी देख सकते हो, iQOO 7 भी ले सकते हो, और भी दोस्तों बहुत सारे ढेरों स्मार्टफोन्स हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हो, जो आपको इससे अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर देंगे एंड आपको बहुत ही अच्छा प्रीमियम लुक्स, प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस देंगे। तो बस दोस्तों यही है कहानी ऑल्टरनेटिव्स का। तो दोस्तों बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थे, स्पेसिफिकेशंस थे गूगल पिक्सल 5a के। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 40 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ क्या आप गूगल पिक्सल 5a के लिए वेट करोगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ। आज का टेक न्यूज लाइव हो चुका है, 13 मिनट से ऊपर का वीडियो बना है, बहुत सारे अमेजिंग टेक न्यूज आए थे, जल्दी जाके देखो, आई बटन पे दे रहा हूँ, क्लिक करके देख लो, अपडेटेड हो जाओ जल्दी से। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।